आज एक भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन देश में जो वर्ण व्यवस्था बनी है, हम तो इंसान को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, लेकिन जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के मुताबिक एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिसको कि शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, और बाबा साहब अंबेडकर स्कूल के बाहर बैठ कर के पढ़ाई करते थे। उनको जो सार्वजनिक पानी पीने का स्थल था वह पानी नहीं पीने दिया जाता था, ऐसी स्थिति में पढ़ाई करके और भारत देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बने, न सिर्फ भारत देश के बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बने, और भारत देश को आज़ाद करवाना और आज़ाद करवाने के बाद में जो जिसके मुताबिक आज हम बोल पा रहे हैं और सब प्रकार के अधिकार सभी लोगों को मिले हुए हैं, संविधान का निर्माण करना और जो संविधान के निर्माण करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए लेकिन वह अपने मिशन से कभी डिगे नहीं, कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं और निरंतर कार्य करते गए और एक ऐसा संविधान बना के भारत देश को समर्पित किया जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है और उसके मुताबिक ही आज देश चल रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव का समय चल रहा है और उसमें लोकसभा का चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंतर्गत पंचवर्षीय चुनाव होना ये भी भारत के संविधान की ही देन है। तो हम जैसे लोग यदि सत्ता में हिस्सेदारी कर पा रहे हैं तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इस देश के जितने महान सपूत हुए हैं उनकी देन है, तो मैं उनको आज सत सत नमन करता हूं। और दूसरी बात, यहां से मैं सेंधवा के मुख्य चौराहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चौराहा से करना चाहता हूं कि जिसके बदौलत देश चल रहा है, संविधान के मुताबिक देश चल रहा है, आज देश का संविधान ही खतरे में है। और इस देश में जिस संविधान के बदौलत लोग बोल पा रहे हैं, लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं, उसी की प्रतियां देश की राजधानी में जलाई जाती है और देश के हुक्मरान जो आज सत्तासीन है वो उस मैटर को लेकर चुप है। तो हमको विचारधारा को भी समझने की जरूरत है, लेकिन उनको जो मंशा है उनकी मंशा को हम कभी भी पूरी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष के तमाम नागरिकों की बात है। वो चाहे किसी भी पंथ धर्म संप्रदाय वो जाति विशेष के लोग हो, लेकिन सबको इस देश के संविधान की जरूरत है। इसलिए जिनकी मंशा इस देश के संविधान को बदलने की है, हम उनको यहाँ से कह देना चाहते हैं कि वो अपने इरादे बदल लें, क्योंकि देश की आम जनता अब देश के सम्मान के लिए, देश के संविधान के सम्मान के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकल चुकी है। आपने देखा कि एक विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में, उनका एक सांसद स्टेटमेंट देता है आनंद हेगड़े जी, और ये मेरा स्टेटमेंट या मेरा आरोप नहीं है, उनकी बकायदा दैनिक भास्कर के 13 तारीख जो 13 अप्रैल के मार्च के पेपर में छपा है और उसमें ये बयान जारी हुआ है कि इस देश में हम 400 से ज़्यादा सीट इसलिए जीतना चाहते हैं ताकि इस देश के संविधान को बदल सकें। और हमारे ही पड़ोस में एक खरगोन जिले के बड़वा विधानसभा के विधायक माननीय श्री सचिन बिरला जी का स्टेटमेंट, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है कि हम इस देश में 400 से ज़्यादा सीटें इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। दूसरी जो बात है, अलीगढ़ की एक महिला नेता, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी भाजपा की नेता है, वो कह रही है कि इस देश के संविधान से हमको बहुत तकलीफ हो रही है और इस देश के संविधान के कारण इस देश का जो निचले तबके का व्यक्ति है या लोग हैं जो कभी जूते साफ करते थे, जो कभी हमारे पैरों के वो हुआ करते थे, वो लोग आज देश पे प्रशासन में और शासन में हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो यदि हम ज़्यादा सीट जीतते हैं तो इस देश के संविधान को बदल देंगे।
तो मैं यहाँ से सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के वो लोग जो भारत देश से प्रेम करते हैं, भारत देश की माटी से प्रेम करते हैं, भारत देश की जनता से प्रेम करते हैं, और भारत देश का जो पूरा ताना बाना है, जो यहाँ की संस्कृति प्रकृति और जो धर्म पंथ संप्रदाय सबसे प्रेम करते हैं, वो सतर्क हो जाए, आगाह हो जाए, ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकिए, अपनी पूरी ताकत के साथ में मजबूती से लड़े। ये जो चुनाव होने जा रहा है आज की तारीख में, जो 13 मई को यहाँ पर मतदान होने वाला है, न सिर्फ चुनाव है, ये चुनाव गरीब और अमीर के बीच में जो फासला बढ़ा है उसकी बात है। ये चुनाव नारी शक्ति के साथ में जो अन्याय अत्याचार दमन शोषण आ रहा है उसके न्याय के लिए है। ये चुनाव किसानों के लिए है, ये चुनाव मजदूरों के न्याय के लिए है, ये चुनाव सरकारी कर्मचारी के न्याय के लिए है, ये चुनाव व्यापारी वर्ग के न्याय के लिए है। तो इस न्याय की लड़ाई में सब लोग पूरी ताकत के साथ में अपनी हिस्सेदारी निभाएं और इस लड़ाई को हम जीते। ये चुनाव एक जन आंदोलन बनना चाहिए, ताकि जो गलत जिनके मंसूबे हैं और भारत देश को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देश की सरकारी संपत्तियां बेच रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम को बेच रहे हैं, उनको यदि रोकना है तो जनता को इस चुनाव को जन आंदोलन के रूप में लेना पड़ेगा। और यहाँ पर छोटी मोटी बात किसी के बीच में होगी तो उस बात को भूल करके देश रक्षा, देश प्रेम और इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए और इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को एक खुशहाली पूर्ण जीवन मिले, उनके आजीविका के पूरे साधन मिले, उनकी शिक्षा अच्छी मिले, उनका स्वास्थ्य का इलाज अच्छे से हो, उनका रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था हो, यहाँ कोई भेद नहीं, किसी धर्म की बात नहीं, किसी जाति समुदाय की बात नहीं, महिला पुरुष की भेद की बात नहीं, गरीबी अमीरी की भेद की बात नहीं, इंसान इंसान सब समान है, इस ध्येय वाक्य के साथ में हम लोग आगे बढ़े। मैं पुनः बाबा साहब अंबेडकर की जयंती की के ऊपर सत सत नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और सब लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। और भारत देश के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर सब लोग शपथ ले और जन जन तक इस मैसेज को फैलाए और आगे बढ़े हम लोग, तो इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सब लोग साथ के में मिलकर लड़े, क्योंकि मैंने नारा दिया है कि मिलकर लड़ेंगे, जीत कर रहेंगे। तो पुनः नारे के साथ में अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।